एक और 11 की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से कर रहे हैं जो आपकी हमारी सबकी सेहत पर मंडरा रहे खतरे से जुड़ी है। आपको यकीन नहीं होगा, ये तस्वीर दिल्ली की है और वो भी जीवन दायिनी कही जाने वाली यमुना की है। ये यमुना का जहरीला प्रदूषण स्तर है। सफेद बर्फ जैसी चादर जो आपको दिखाई दे रही है, ये असल में जहरीला प्रदूषण है जो यमुना के ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रहा है। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, नहाए खाए के साथ इसका आगाज। लेकिन यमुना के पानी में बहते जहरीले फोम से छठ व्रतियों को खासी दिक्कत आ रही है। सवाल यही, क्या ऐसे ही यमुना के जहरीले पानी में छठ व्रती अर्घ देंगी? इस बीच घाटों पर तो सफाई कर दी गई है, लेकिन सवाल यमुना के बढ़ते प्रदूषण पर भी उठ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जो है वो पूरी तरीके से जहरीला हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना नदी के अंदर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक यमुना नदी के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। सफेद रंग की चादर जो है आपको प्रदूषण की चारों तरफ से नजर आएगी। AQI लेवल जो हवा की गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में है और यमुना जिसका पानी दिल्ली वाले पीते हैं वो यमुना पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो मैली हो चुकी है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये जो सफेद रंग के झाग आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो झाग है ये यमुना को पॉल्यूटेड कर चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको एक रियलिटी चेक दिखाएंगे कि पानी जो यमुना का है जो कि इस वक्त पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, वो उसका आप लेवल देखेंगे कि किस तरीके से ये पानी पूरी तरीके से इस वक्त यमुना के अंदर जो है वो जहरीला हो चुका है। ये पानी का लेवल है दिल्ली के अंदर यमुना नदी का, जो पूरी तरीके से इस वक्त अगर कहा जाए तो प्रदूषित हो चुका है। और इसी प्रदूषित पानी के अंदर तमाम जो छठ पर्व की शुरुआत है आज से हो रही है, उसमें तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने पूजा पाठ जो है वो करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम महिलाएं हैं जो सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंची थी यमुना घाट पर छठ पर्व की शुरुआत को लेकर के, और नहाए खाए से आज इस पर्व की जो है वो शुरुआत होती है। लेकिन जिस तरीके से यमुना की स्थिति आप देखेंगे, दूर दूर तक यमुना का जो पानी है वो पूरी तरह से प्रदूषित इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक विश के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। आज तक आज से छठ पर्व की शुरुआत है, यमुना का जो प्रदूषण का स्तर लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और ऐसे में आप पूजा पाठ कर रहे हैं? हमारे लिए कुछ नहीं है सर, हमारे लिए पवित्र है, कोई प्रदूषण नहीं हमारे लिए, ना कोई बीमारी है ना कुछ है, हमारे लिए पवित्र है। आइए, हमारे जो बीमारी अंदर होते हैं ना वो भी ये दूर करते हैं, इसके लिए हम लोग इनको पवित्र मानते हैं। लगता नहीं कि पानी ये साफ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल साफ है, साफ होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसी में तो सब कुछ करना पड़ेगा हमें। इसी से प्रसाद उठा सब सब कुछ, गंगा जल वो सब कुछ छीटेंगे, उसको बाद वो खाना बनाएंगे, उसको बाद ग्रहण करेंगे, उसको बाद सब कुछ करेंगे, इसके प्रसाद उरसाद सब इसी से आज से शुरुआत है हमारे छठ पूजा। तो पाबंदी भी लगाई गई है कि यमुना घाट पर इस तरीके से पूजा ना की जाए, लेकिन हमारे सबके मजबूरी है, वो पाबंदी करे चाहे ना करे, हमारे सबके जल लेना है, जल लेकर के वहाँ हम करेंगे।